भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के लालू चौक विद्युत चक में उफान मारते बाढ़ के पानी के बीचों बीच एक घर में फंसे जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे प्रसूता और उनके नवजात का एसटीआरएफ के जवानों ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। साथ में आंगनबाड़ी सेविकाओं का भी भरपूर सहयोग रहा है। यही नहीं, एसटीआरएफ के जवानों ने इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा के नेतृत्व में प्रसूता कंचन देवी और नवजात का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल भी पहुँचा दिया। वहीं इस बारे में इंस्पेक्टर गणेश ओझा ने बताया कि उन्हें जिला प्रशासन द्वारा लालू चौक में नकुल मंडल की प्रसूता पत्नी कंचन देवी और उनके नवजात के बाढ़ के पानी में घिरे हुए घर में फंसे होने की जानकारी मिली थी। इसके पश्चात उनके द्वारा सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर नवजात और प्रसूता कंचन देवी को अस्पताल पहुँचाया गया। वहीं स्वास्थ्य परीक्षण में जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ पाए गए हैं। इंस्पेक्टर गणेश ओझा की माने तो नकुल मंडल के घर में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके कारण प्रसूता और नवजात सहित पूरा परिवार घर के छत पर रहने के लिए व्यवस्था। भागलपुर में गंगा उफान पर है। इस बीच एसटीआरएफ की टीम ने मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल नाथनगर के बुद्धूचक में बाढ़ में फंसे एक प्रसूता और नवजात को एसटीआरएफ की टीम ने सहज तरीके से और सतर्कता के साथ बाढ़ से बाहर निकाला और सुरक्षित तरीके से अस्पताल पहुंचाया, जहां पर परीक्षण के बाद बताया गया कि नवजात और महिला दोनों सुरक्षित है और दोनों अच्छे हैं। हर तरफ एसटीआरएफ की टीम की प्रशंसा हो रही है, साथ ही साथ इंस्पेक्टर गणेश ओझा के नेतृत्व में जो ये कार्य किया गया है, कहा जा रहा है कि काफ़ी प्रशंसनीय कार्य है। बता दें कि नकुल मंडल जो है उनकी पत्नी कंचन देवी प्रसूता थी और बाढ़ में फंस गई थी, नवजात था, दोनों फंसे हुए थे, जिसके बाद एसटीआरएफ की टीम ने काफ़ी सतर्कता के साथ दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुँचाकर दोनों के परीक्षण जाँच करवाया है, जिससे कि अभी एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों टीमें बाढ़ में लगी हुई है और कार्य रेस्क्यू राहत बचाव का कर रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्देश्य यही रहता है कि आपदा सेवा धर्म। जिला पदाधिकारी महोदय भागलपुर हमेशा हमको गाइड करते रहते हैं ऐसे कार्यों के लिए, और सभी मीडिया भाई को मैं आग्रह करता हूं, निवेदन भी करता हूं कि ऐसे आपदा में लोग फंसे हुए को आप लोग भी मदद करें। जिस तरह प्रशासन करती है, पब्लिक ही करती है, उस तरह प्रेस मीडिया वाले भी भाई करें। यही एसडीआरएफ के तरफ से नमन करता हूं।